Hey, what's up, everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सुप्रभात बच्चों, यह हम लोगों की संस्कृत की क्लास है। बच्चों, सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 1 to 5 आप लोगों का सिलेबस था, वो कंप्लीट हो चुका है। बच्चों, अब हम लोग संस्कृत रीड करेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि क्या हमारे शब्द होते हैं, उनसे क्या संस्कृत शब्द बनते हैं और उनकी हिंदी क्या होती है। जब तक हम लोग रीड नहीं करेंगे तब तक पढ़ना नहीं आएगा। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्वर को कंप्लीट किया था। स्वर कितने होते हैं, इनसे कौन से संस्कृत शब्द बनते हैं और क्या इसकी हिंदी होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय पाठ पाठ 2 व्यंजन वर्णा। ठीक, स्वर हम लोगों ने बच्चों पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे। अब देखेंगे कि व्यंजन हमारे क्या क्या होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है और इनसे कौन से संस्कृत शब्द बनते हैं और इनकी हिंदी क्या होती है। बच्चों, आप लोग संस्कृत को पढ़ेंगे और उसकी हिंदी भी पढ़ेंगे, तभी आप लोगों को बच्चों समझ में आएगा कि संस्कृत से क्या शब्द बनता है। आप लोग अपनी बुक में देखेंगे पाठ 2 व्यंजन वर्णा, और पहले आपका स्वर लिखा हुआ है, उसके बाद संस्कृत शब्द है, उसके बाद उसकी हिंदी लिखी हुई है। तो बच्चों, अब हम लोग रीड करेंगे का वर्ग वर्णा। क्या रीड करेंगे बच्चों? का वर्ग वर्णा। बच्चों, आप लोग एक चीज और ध्यान देंगे, जैसे संस्कृत में स्वर हमारे कितने होते हैं, 13 होते हैं। हिंदी में स्वर हमारे कितने होते हैं, 11 होते हैं, लेकिन संस्कृत में 13 होते हैं। उसी तरह से जो हमारे स्पष्ट व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। कितनी होती है बच्चों? 25 होती है। स्पष्ट व्यंजन की संख्या 25 होती है। अब हम देखेंगे उनसे कौन से शब्द, क्या शब्द हमारे क्या स्पष्ट व्यंजन है और उनसे क्या संस्कृत शब्द बने, उसकी हिंदी क्या होगी। सबसे पहले तो हम लोग कंप्लीट क्या करेंगे, का वर्ग वर्ण। का वर्ग वर्ण के शब्द क्या होते हैं, इसके कितने वर्ण शब्द होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं 5। क ख ग घ ङ। बच्चों, आप लोग इसको याद रखेंगे कि जो क वर्ग वर्ण होता है उसके 5 व्यंजन होते हैं, क ख ग घ और ङ। आप लोग पढ़ेंगे इनसे क्या संस्कृत बनी और उसकी हिंदी क्या होगी। क से बच्चों संस्कृत शब्द हमारा क्या बनेगा, कबूतर। उसकी हिंदी क्या होगी, कबूतर। बच्चों, कबूतर आप लोग जानते होंगे, एक पालतू पक्षी है। तो बच्चों, का हमारा शब्द है, क से संस्कृत शब्द क्या बना, कबूतर। उसकी हिंदी क्या होगी, कबूतर होगी। बच्चों, कबूतर क्या है, एक पालतू पक्षी है, लोग इसको पालते भी है। ठीक, ख से हमारा शब्द क्या बनेगा, खटका। जिसकी हिंदी क्या होगी बच्चों, चौक होगी। ठीक, चौक आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग स्कूल आते हैं तो माइन क्लास का जब ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो किससे लिखते हैं, चौक से लिखते हैं। जब व्हाइट बोर्ड है तब हम क्या यूज करते हैं, मार्कर यूज करते हैं, लेकिन अगर बोर्ड हमारा ब्लैक है तो हम किससे लिखेंगे, चौक से लिखेंगे। बच्चों, हमारा शब्द क्या बना, गजेंद्र से हमारा शब्द क्या बनेगा, गजर। और इसकी हिंदी क्या होगी, हाथी। बच्चों, हाथी भी आप लोगों ने देखा होगा, यह क्या है, हमारा पालतू जानवर है, कुछ लोग हाथी को पालते भी हैं। घर से हमारा संस्कृत शब्द क्या बनेगा बच्चों, घटा। हिंदी क्या होगी उसकी, घड़ा। घड़ा भी बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, मिट्टी के पास मिट्टी से बनता है लोग। बच्चों, घर से हमारा संस्कृत शब्द क्या होगा, घटा। और उसकी हिंदी क्या होगी, घड़ा होगी। यह मिट्टी से बनता है। ठीक, इसका निर्माण कौन करते हैं, कुम्हार करते हैं। ठीक, और इसको हम क्या करते हैं, कुछ लोग अपनी जरूरत के लिए इसको अपने घर में घरों में रखते हैं। अंदर से बच्चों हमारा कोई शब्द नहीं बनता है। ठीक, अब हम कंप्लीट करेंगे च वर्ग वर्णा। बच्चों, जैसे आप लोगों ने पढ़ा क वर्ग वर्णा में कितने व्यंजन होते हैं, 5 होते हैं, वैसे ही च वर्ग वर्णा में भी कितने व्यंजन होते हैं, 5 होते हैं, च छ ज झ और ञ। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कि इनकी संस्कृत क्या होगी और उससे हमारी हिंदी क्या होगी। बच्चों, आप लोग बुक में भी देखेंगे तो चित्र बना हुआ है, आप लोग देखेंगे च वर्ग वर्णा लिखा हुआ है, हमारे पांचों व्यंजन लिखे हुए हैं, च छ ज झ और ञ। उनसे जो संस्कृत शब्द बनते हैं वही लिखा हुआ है और उसकी हिंदी भी लिखी हुई है। साथ में बच्चों आपको पहचानने के लिए चित्र भी बने हुए हैं, आप लोग अपनी बुक में देखेंगे तो आंख, छाता, जामुन, झरना सबकी पिक्चर बनी हुई है। ठीक, अब हम लोग कंप्लीट करेंगे च से क्या होता है बच्चों, संस्कृत शब्द क्या बनेगा, चक्षु। क्या होगा बच्चों, चक्षु। और उसकी हिंदी क्या होगी, आंख। ठीक,
बच्चों आप लोग जानते ही होंगे, ठीक। आंख से ही हम क्या करते हैं, अपनी पूरी दुनिया देखते हैं कि हमारी दुनिया कितनी रंग बिरंगी है और इसमें कितनी चीजें हैं। अगर आंख न होती तो इंसान इतनी सुंदर दुनिया को देख न सकता। तो आंख हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। उसके बाद बच्चों क्या है, छत। छत संस्कृत से हमारा बनेगा छत्रम और उसकी हिंदी क्या होगी, छाता होगी। बच्चों छाता भी आप लोग जानते होंगे, कभी कड़ी धूप से हमें कौन बचाता है, छाता बचाता है। जैसे ही कड़ी धूप निकलेगी हम क्या करते हैं, छाता सर पे लगा लेते हैं कि हमें धूप न लगे। और जब तेज बारिश होती है तब भी हम क्या करते हैं, छाता लगा लेते हैं ताकि हम भीगे ना, अपने आप को सुरक्षित, धूप और बारिश से अपने आप को क्या करते हैं, सुरक्षित करते हैं। जैसे बच्चों क्या होगा, जम्बू फलम, ठीक। हिंदी क्या होगी बच्चों, जामुन होगी, ठीक। जामुन भी आप लोगों ने बच्चों देखा होगा, चित्र में भी आप लोग देखे होंगे, ठीक। यह एक फल होता है जो कि बहुत ही फायदेमंद फल होता है, ठीक। झरझ बच्चों क्या होगा, झरा, और इसकी हिंदी क्या होगी, झरना होगी। बच्चों आप लोग कहीं घूमने टहलने जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तो देखते हैं कि अनेक कलर के, अनेक रंग के झरने होते हैं जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इया से बच्चों हमारा कोई शब्द नहीं बनता है, ठीक। हम लोगों ने बच्चों चार वर्ग वर्ण कम्प्लीट कर दिया है, हमारे पांच व्यंजन होते हैं और इससे संस्कृत क्या बनती है और हिंदी क्या बनती है, हम लोग ने इसको कम्प्लीट कर लिया है। बच्चों आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। बच्चों अब हम लोग चार वर्ग वर्ण कम्प्लीट करेंगे। बच्चों इसमें भी हमारे व्यंजन कितने हैं, पांच हैं। बच्चों हमारे व्यंजन कितने हैं, पांच व्यंजन हैं, ट ठ ड ढ और आड़ा। अब बच्चों हम अपने व्यंजन को कंप्लीट करेंगे। आप लोग बच्चों बुक में अपने देखेंगे तो पिक बनी हुई है, ठीक। आप लोग देखेंगे बच्चों तो ज्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे ही आप लोग चित्र देख लेंगे तो उसकी संस्कृत भी समझ में आएगी और उससे हमारी हिंदी क्या बनती है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो टर्म बच्चों क्या बनेगा, कंटिका। कंटिका का हिंदी में बच्चों क्या होता है, कुल्हाड़ी होता है। कुल्हाड़ी आप लोग देखे होंगे, जब कोई लकड़ी का काटने का काम आता है या कुछ लकड़ी से बनी चीज को काटने का काम आता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं। यह एक लोहे का यंत्र होता है, कुछ भी अगर करना होता है तो हम कुल्हाड़ी से उसको लकड़ी छोटी कर सकते हैं या किसी सूखे पेड़ को कट कर सकते हैं कुल्हाड़ी से। खास बच्चों क्या होगा, ठकुरा। ठकुरा का हिंदी में अर्थ होगा देवता की मूर्ति। बच्चों आप लोगों ने भगवान की, देवता की मूर्ति भी देखी होगी। हम अपने घरों में एक छोटी सी मंदिर बनाते हैं और वहाँ कई भगवान की मूर्तियों को रखते हैं। आप लोग भी अपने मम्मी पापा के साथ भगवान की पूजा करते होंगे तो भगवान की मूर्ति के हिसाब से हम बंदन और पूजन करते हैं। दस बच्चों क्या बनेगा, डमरू, और इसकी हिंदी क्या होगी, डमरू। बच्चों आप लोग डमरू भी देखे होंगे, भगवान शंकर इसको धारण करते थे, डमरू बजाते थे, छोटे बच्चे भी शौक में खेलने के लिए डमरू को बजाते हैं। घर से बच्चों क्या होगा, ढक्कर, और उसकी हिंदी क्या होगी, ढोल, ठीक। ढोल में बच्चों आप लोग देखा होगा जब आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, कुछ फंक्शन होता है तो घर में जो महिलाएं होती हैं क्या करती हैं, ढोल को बजाती हैं और अच्छे अच्छे मंगल गीत भी गाती हैं। तो ढोल भी बच्चों आप लोगों ने देखा होगा। आना से बच्चों हमारा कोई शब्द नहीं बनता है। बच्चों आप लोग सबसे पहले अपने व्यंजन को पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग व्यंजन से हमारे संस्कृत शब्द क्या बनते हैं इसको पढ़ेंगे और लर्न करेंगे और उसकी हिंदी भी लर्न करेंगे। बच्चों जब तक आप लोग संस्कृत को नहीं पढ़ेंगे आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप लोग संस्कृत को पढ़िए और उसकी हिंदी भी लर्न करिए। बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग वीडियो देखेंगे, जो नहीं समझ में आएगा मेरे पास मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।